गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स, आज हम इस ऑनलाइन क्लास के अंदर डिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है, एक तो ये होता है कि आप उसको डिवाइड करो, फिर पता करो कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि ये नंबर जो है आपका 14 से डिजेबल है, 13 से डिजेबल है, कम्प्लीटली डिजेबल है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप जो है, यानी कि वन बाई वन आप उसको डिवाइड करते हो। आप फोर ऑप्शन आ गए, फोर ऑप्शन में से आपको करके देखना ही पड़ेगा यार ऐसा जो है। और ऐसा आप करते हैं तो आपको टाइम लगता है यार, ठीक है ना। तो आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे ही करेंगे जिससे आप बिना डिवाइड किए हुए, ठीक है ना, बिना डिवाइड किए हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिजेबल हो गए। तो मैं साथ में नोट कराऊँगा और आप वो नोट कर लेना, ठीक है ना। तो हम टू से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। साथ साथ में नोट भी करते रहना कि कोई नंबर जो है टू से डिजेबल है या नहीं है रहा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है कि हर इवन नंबर टू से डिजेबल होता है। या इसके लिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर क्या हो, जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है और एट, ये कोई भी नंबर दे दिया हमें, कैसा भी नंबर, और उसकी अगर वन प्लेस पर, ठीक है ना, वन प्लेस पर क्या है कि मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ जाए, जीरो आ जाए, टू आ जाए, फोर आ जाए, सिक्स आ जाए, एट आ जाए, वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, टू से कम्प्लीटली डिजेबल होंगे। जैसे मेरे पास ये आ गया फोर, फाइव और ये आ गया एट। तो आप देखो वन प्लेस पर लास्ट में क्या आ रहा है, एट आ रहा है, इसका मतलब ये टू से कम्प्लीटली डिजेबल है। ये नंबर क्या होगा, टू से कम्प्लीटली डिजेबल होगा। जैसे मैंने लिखा फोर, एट, थ्री, सिक्स और ये लिखा मैंने फाइव, लास्ट में क्या रहा है, फाइव आ रहा है। तो यहाँ देखें कि हमारा आना कितना चाहिए था, या तो जीरो होना चाहिए था, या टू होना चाहिए था, फोर होना चाहिए था, सिक्स या एट, इनमें से एक होना चाहिए था ये, जबकि आ रहा क्या है फाइव। इसका मतलब ये नंबर टू से कम्प्लीटली डिजेबल नहीं होगा ये, ठीक है ना। और ये सबको पता भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, लास्ट सेकेंड जो है थ्री से डिजेबल हो जो नंबर, तो इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इट इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, अगर कोई हमें नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमें दे दिया थ्री, फोर, फाइव और ये दे दिया जैसे सिक्स दे दिए, ये कोई हमारे पास एक नंबर है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर थ्री से कम्प्लीटली डिजेबल है या नहीं है, लेकिन डिवाइड नहीं करना हमें, ठीक है ना। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ कि आप जो है, यानी इनकी डिजिट का ऐसे नहीं है, आप कई बच्चे मैंने देखा सुना मैंने ऐसे, वो कहते हैं सर लास्ट में सिक्स आ रहा है क्योंकि थ्री की टेबल में सिक्स आता है, इसलिए ये सिक्स से ये थ्री से भी डिवाइड होगा ना। तो मैंने लिखा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इन सभी डिजिट का आप सम करेंगे, थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, देखो थ्री था, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स ये था, तो इन सभी डिजिट का मैं क्या करूँगा, सम करूँगा ये। अच्छा, सम करने पर मेरे पास जो है, यानी क्या होना चाहिए, थ्री का कोई ना कोई मल्टीपल आ जाना चाहिए, यानी जो थ्री की टेबल में आता हो, जो नंबर थ्री से क्या हो, कम्प्लीटली डिजेबल हो। तो इसका सम करूँ तो ये तो हो गया सेवन, सेवन में जो है फाइव ऐड करेंगे, ट्वेल्व, ट्वेल्व में सिक्स ऐड करेंगे, एटीन। अब मुझे ये बताओ क्या 18 जो है वो थ्री की टेबल में आता है या थ्री से कम्प्लीटली डिजेबल है, क्या होता है, कितने टाइम आता है, सिक्स टाइम। जैसे 18 को अगर मैं क्या करता हूँ, थ्री से डिवाइड करता हूँ, सिक्स टाइम गया, पूरा पूरा गया ना, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, थ्री से कम्प्लीटली डिजेबल होगा, ये पक्का ही होगा ये, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, चलो एक और इसका, जैसे आ गया मेरे पास फोर, ज़ीरो, एट और ये आ गया मेरे पास में फाइव, यह नंबर आ गया, चलो मैं वैसे ही ले लेता हूँ, चलो ये टू ही आ गया, ये लो ये टू, ठीक है ना। अब मुझे ये देखना है क्या ये जो नंबर है,
जो मेरा थ्री से डिजेबल है या नहीं है रहा। तो देखो मैं इसका सम करूँगा, फोर प्लस जीरो प्लस एट प्लस टू। तो ये देखो यहाँ तक मेरे पास कितना हो गया, टेन, ये जीरो टेन ही रहेगा, फोर्टीन। तो क्या फोर्टीन जो है वो थ्री की टेबल से डिजेबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, थ्री से डिजेबल नहीं होगा, ठीक है ना। थ्री से कम्प्लीटली डिजेबल नहीं होगा ये रन, समझ गए ना। तो ये पढ़ा हुआ अभी आपने सबने, ठीक है ना। हाँ तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप कहीं कन्फ्यूज होंगे, शायद कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आ गया मेरे पास में आया सेवन सिक्स टू फाइव, ये आ गया, ठीक है ना। अच्छा इसका सम करें, देखो सेवन प्लस सिक्स प्लस टू प्लस जो है फाइव। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास कितना हो गया, थर्टीन थर्टीन, ये कितना हो गया थर्टीन, और टू कितना हो गया फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव जो है ट्वेंटी। क्या तो ट्वेंटी है क्या, थ्री से डिजेबल है नहीं है, यानी इसकी टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये भी क्या है, थ्री से डिजेबल है नहीं है रहा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फोर का, कोई नंबर फोर से कम्प्लीटली डिजेबल है या नहीं है ये हमें कैसे पता चले कि लास्ट टू डिजिट, हम कहेंगे लास्ट टू डिजिट इज डिजेबल, डिजेबल बाय फोर। लास्ट की टू डिजिट आपने लेनी है, कैसे लेनी है देखो एग्जांपल लिया मैंने, जैसे फोर थ्री फाइव और वन टू, ये ले लिया लास्ट की वन टू, लास्ट की टू डिजिट लो आप। ये क्या है, ट्वेल्व है। ट्वेल्व जो है आपका फोर से डिजेबल है क्या, बिल्कुल सही है, थ्री टाइम जाएगा हो गए ये लो बस, यानी इसका मतलब ये फोर से कम्प्लीटली डिजेबल है, हो गया पक्का ही हो गया ये, ठीक नहीं रहा। एक आ गया जैसे मेरे पास में फोर एट फाइव फाइव, और ये आ गया मेरे पास जीरो फोर, क्या रहा है लास्ट में, जीरो फोर को क्या बोलेंगे, फोर ही बोलेंगे, हो जाएगा ये भी। या एक आ गया मेरे पास फाइव 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 और वन एट, लास्ट में क्या रहा है, एटीन आ रहा है, एटीन क्या डिवाइड हो जाएगा फोर से, नहीं होगा, सिक्सटीन होता है, सिक्सटीन के बाद में 20 आता है, 18 नहीं आता फोर की टेबल में। इसका मतलब ये भी नहीं होगा ये रहा। या आ गया जैसे मेरे पास में 5 5 5, ये 4 और ये 6, ये आ गया, ये है क्या। अब करके देख लो कि मैं क्या करूँगा, 56 को जो है 4 से डिवाइड करूँगा। अब लास्ट की टू डिजिट है, यहाँ लग नहीं रहा, यहाँ तो मुझे पता 12 होता है, 4 भी होता है, 18 नहीं होता ये रहा। अगर सपोज करो यहाँ 16 होता तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ देखें तो 56 है ये रहा। तो ये अगर ये दो नंबर लास्ट के दो जैसे वैसे के वैसे, ऐसे नहीं है 65 लिख दिया, लास्ट के टू डिजिट ऐसे कैसे उठा लें आप, 56 है, इसको आप 4 से डिवाइड करो। आप देखो पहले गया वन टाइम, माइनस करेंगे वन आ गया, ऊपर से आ गया 6, और ये आपका कितने टाइम गया, ये गया हमारा 4 टाइम 14, पूरा गया गया, सॉरी 16, पूरा गया 14 टाइम, पूरा गया ना। इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या होगा, फोर से कंप्लीटली डिजेबल हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर हुआ मेरे पास में फाइव से रहा, तो इसका बिल्कुल सिंपल है, लास्ट डिजिट है वो मेरे पास में क्या होनी चाहिए, जीरो या फाइव। ये सबसे आसान तो यही है रहा कि जिस भी नंबर के वन प्लेस पर, ठीक है ना, यानी जो राइट साइड में जो, ठीक है ना, इकाई जो है हम कहें इकाई के स्थान पर, ठीक है ना, प्लेस पर क्या हो, जीरो या फाइव आ जाए तो वही नंबर होगा और बाकी कोई नहीं होगा। जैसे मेरे पास आ गया 4 3 6 5 0 5, वन प्लेस पर क्या रहा है, फाइव आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, कम्प्लीटली डिजेबल हो जाएगा। या जैसे मैं कहूँ 7 8 5 0 3 0, लास्ट में क्या रहा है, जीरो है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूँ 4 4 0 5 3, लास्ट में क्या रहा है, 3 आ रहा है, नहीं होगा। और अगर यहाँ 4 आ जाता तो भी नहीं होता,
या अगर सीख सकता था तो भी नहीं होता ये रहा। लेकिन बस दो ही चीज़ होनी चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए या फाइव होना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे सिंपल का है तो शायद इसमें समस्या नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर हमारे पास में आता है सिक्स, कोई नंबर सिक्स है। हाँ, तो ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं यार, क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ यार, ठीक है ना। इसमें बना के पूछता है कि वो आपसे कहेगा ए नंबर इज कंप्लीटली डिजेबल बाय टू एंड थ्री, इट कैन बी पॉसिबल, इट्स आल्सो डिवाइडेड कंप्लीटली डिजेबल बाय सिक्स। एक ऐसा नंबर जो टू से और थ्री से भी कंप्लीटली डिजेबल है, ठीक है ना, तो क्या वो सिक्स से भी होगा? या कहेगा एक नंबर सिक्स से कंप्लीटली डिजेबल है तो वो किस किस से हो सकता है? मे बी पॉसिबल पक्का हो गई तो जाहिर बात है वो किससे होगा? टू और थ्री से होगा ये रहा, ठीक नहीं रहा। तो यहाँ हम कह सकते हैं, देखो रूल कह सकते हैं, इफ ए नंबर डिजेबल बाई टू एंड थ्री, इसको समझना आप कैसे है कि वो टू से भी होना चाहिए और थ्री से भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपली लूँ मैं, एक देखो सिक्स है ये रहा, चलो ये रहा, ठीक है ना, सिक्स टू से डिजेबल है, बिल्कुल सही है, और थ्री से भी डिजेबल है, इसका मतलब सिक्स से भी होगा ये। फिर अब जैसे मैं लिखूँ, चलो एक नंबर लिखा मैंने 18 लिखा, तो 18 जो है वो टू से डिजेबल है, बिल्कुल सही है, टू की टेबल में आता है, थ्री की टेबल में भी आता है, दोनों से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सिक्स से भी होगा ये रहा। या दूसरा हम कहें, जैसे मैंने लिया 14 लिया ये रहा, ठीक है ना, तो 14 टू से तो डिजेबल है, लेकिन क्या जो है आपका थ्री से डिजेबल है क्या? थ्री से नहीं हो रहा, क्यों? थ्री की टेबल में 12 के बाद में आता है 15 आता है, बीच में छूट गया, नहीं आ रहा ये रहा। इसका मतलब जो है ये टू से हो रहा है लेकिन ये थ्री से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिक्स से भी क्या होगा? कंप्लीटली डिजेबल नहीं होगा। अच्छा, ये तो सिंपल थे, अब मैं थोड़ा नंबर बढ़ा लेता हूँ, फिर देखो उसका कैसे पता करें, क्योंकि ये तो समझाने के लिए था कि जैसे मेरे पास में आ गया 4, 5, 6, 3 और 6 ये आ गया कोई नंबर, अब इतना बड़ा नंबर है ये, तो इसको तो चेक करना ही पड़ेगा यार। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, टू से और थ्री से दोनों से देखना आपने, तो क्या ये नंबर जो है आपका कंप्लीटली टू से डिजेबल है? तो टू क्या कहता है? टू कहता है लार्ज डिजिट जिसमें 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो। अगर इनमें से आ रही है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? टू से कंप्लीटली डिजेबल होगा। तो इसके लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर टू से क्या है? कंप्लीटली डिजेबल है। तो क्या 6 से भी हो जाएगा क्या? अभी हम नहीं कह सकते इस बात को। अगर वो 3 से भी हो रहा है, दोनों से साथ में हो रहा है, तो ही हो सकता है। तो ऐसे में क्या करूँगा मैं, 3 के लिए मेरे पास क्या रूल है, 3 के लिए सम ऑफ जो है ऑल डिजिट जो है इज मल्टीपल ऑफ 3, इनकी जो डिजिट का सम है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना, इनकी डिजिट का जो सम है अगर वो 3 का मल्टीपल है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो दोनों से हो रहा है, इसलिए 6 से भी होगा। तो देखो इनका मैं ऐड करूँगा, ये 5, ये 6, ये 3 और ये 6 से रहा। 4 लिखा मैंने 5 का, फिर 6, फिर 3 और फिर ये 6 से रहा। अब इनका सम करेंगे, देखो ये हो गया 9, 9 में जो है मैं 6 ऐड करूँगा, कितना हो गया 15, 15 में जो है मैं ऐड करूँगा 3, कितना हो गया 15 के अंदर जो है 18, और 18 में 6 ऐड करूँगा, कितना आ गया 24 आ गया। अब ये बताओ 24 क्या 3 की टेबल का कोई नंबर है या 3 से डिजेबल है? है, 3 से डिजेबल है ना, तो इसका मतलब ये 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है वो क्या होगा कि 2 से और जो 3 से डिजेबल होने के कारण ये 6 से भी क्या होगा, डिजेबल हो जाएगा यार, 6 से कम्प्लीटली डिजेबल है ये, ठीक नहीं रहा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आ गया मेरे पास में 0 तो नहीं चलेगा यहाँ, और यहाँ मैं ले लूँ 4,
तो हमें अब ये देखना है, ठीक है ना, जरा तो ध्यान से, तो जहाँ कोई चीज़ है नोट करने और लायक चीज़ हो आप साथ साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इस नंबर को देखना है तो सबसे पहले मुझे 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 से तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 में तो आपने ये देखना है कि 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से है तो डिजेबल है, और इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिजेबल है, 2 से हो जाएगा पूरा पूरा डिवाइड। अच्छा, सेकंड फिर ये है, क्या ये नंबर जो है आपका 3 से भी डिजेबल है क्या? तो 3 के लिए क्या रूल है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है ना, अगर आप सभी डिजिट्स का सम करते हैं और वो सम क्या है 3 का एक मल्टीपल है या 3 से वो डिजेबल है, ठीक है ना, तो वो नंबर क्या है 3 से भी डिजेबल होगा। तो देखो यहाँ 3 + 2 + 5 + 5 + 4 और इनका सम करेंगे, देखो ये हो गया 5 के बाद 10 के बाद 15 में 4 ऐड करेंगे 19। तो क्या 19 जो है वो 3 की टेबल से या 3 से कम्प्लीटली डिजेबल होता है क्या? नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से डिजेबल नहीं है। तो देखो 2 से ही हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है फिर, ये 6 से भी नहीं होगा, 6 से भी क्या है ये नहीं होगा यार, दोनों से होता तो ही 6 से होता है यार। ओके, फिर नेक्स्ट जो है 7 का, इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा 8 आएगा 7 से। तो 7 के लिए देखें, वैसे बेसिकली अगर आप देखें आप बुक वगैरह बहुत से जो आप गाइड वगैरह लेते हैं तो उन गाइडों में कईयों में है कईयों में नहीं मिलेगा ये। तो वो जो ऑक्टेट नंबर है विनकुलम नंबर है वो निकालते हैं, ठीक है ना, वो बताऊंगा बाद में आपको कि किसी नंबर के लिए जो ऑक्टेट नंबर है, जैसे इसके लिए मेरे पास में एक नंबर मैं कहूँगा कि याद रखना आपने ये नंबर इसके लिए है -2 है, ये याद रखेंगे आप यार। अब बताऊंगा ये कहाँ से क्या है, ठीक है ना, ये चीज़ आप लगातार वीडियो देखते रहें तो उसमें मैं बताऊंगा ये कि ये नंबर निकालते कहाँ से हैं यार, ठीक है ना। आप कैसे पता करते हैं किसी भी नंबर का, आप ऐसे ऑक्टेन नंबर, इसको ऑक्टेन नंबर मैं तो ऑक्टेन ही कहता हूँ वैसे इसको, ठीक है ना, एक बार बताया था किसी ने, बच्चे ने कहा सर ये क्या है, मैंने कहा ये ऑक्टोपस है, ये इसके 8 आते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो मैं इसको तो ऑक्टोपस नंबर ही बोलता हूँ, ये ऑक्टोपस नंबर है, ऑक्टेन नंबर। तो इससे आप किसी भी नंबर का, ठीक है ना, किसी भी नंबर का आप क्या है कि ऑक्टेन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन पहले आप समझ लें एक बार कि -2 जो है, ठीक है ना, ये है क्या, कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मेरे पास में आ गया 4, 3, 6 और 5, ये आ गया, और चलो एक और लेते हैं जैसे ये आ गया 3। चलो अब हमें ये पता करना है ये नंबर जो है 7 से कम्प्लीटली डिजेबल है या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, 7 के लिए कई जो हैं, 3 के पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर बना लो आप, ऐसे भी है यार, ठीक है ना, और एक दूसरा आप ऐसे, और ये फिर ऑक्टेन नंबर भी है यार, ये ज़्यादातर जो है आप देख लें मिल जाएगा आपको कई बुक वगैरह में दे देगा कि -2 है, ठीक है ना, और कईयों में 2 के पेयर 3 के पेयर ये, इसके मोस्टली देखें तो अब तक जो मैं जितने जानता हूँ, मैं इसके 3 मेथड तो जानता हूँ कम से कम, 3 तरीके हैं, एक ये उनमें से एक ये है, और ये मुझे द बेस्ट लगा, ये बाकी और भी है, ठीक है ना, जिसमें आप 2 के पेयर बनाते हैं, एक में 3 के पेयर बनाते हैं, तो हम इसी से करेंगे, ये सिंपल है और सभी में हम यही इस्तेमाल करने वाले हैं यार, ऑक्टेन नंबर ही। जो इस तरह के नंबर होंगे जिनका आपने कभी सुना ही नहीं है पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए हम ऑक्टोपस नंबर ही काम में लेंगे, और बाकी उसमें कोई और तरीका नहीं है निकाल लेगा। तो देखो आपने करना क्या है, -2 है तो आप इस नंबर को तो काट दो, पहले से राइट साइड के फर्स्ट नंबर को काट दो, कितना था वो 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो आप, क्या बन गया 6, और इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि माइनस था ना यार, यहाँ माइनस था तो माइनस करना है, अगर मैं प्लस लिखूंगा तो प्लस करना, ध्यान रखना, ठीक है ना, कि हमें करना क्या है, जो भी हमारा ऑक्टेन नंबर होगा, ठीक है ना, सबके लिए सेम रहेगा, आगे भी ध्यान रखना, आगे भी बताऊँ आप ऑक्टेन नंबर के बारे में कि मैं ऑक्टेन ही लेके चलूँगा ज़्यादातर, कि आपने क्या करना, जो भी ऑक्टेन नंबर होगा उसको लास्ट डिजिट 1 प्लेस की डिजिट को जो है मल्टीप्लाई करना है, अगर ये प्लस का है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है यार।
अच्छा अब देखो ये यहाँ से जो है ठीक नहीं रहा, इसमें से जो है आप यानी क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये मेरे पास में आ गया 9434। अब वापस क्या करेंगे, इसको फिर काट देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 18। और फिर आपने वही क्या करना है, माइनस करना है, ये आ गया 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। ये रहा ऊपर ले लूँ थोड़ा भैया, ठीक है ना, इस नंबर को मैंने ऊपर ले लिया। वापस वही काम करना आपने, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 2 से रहा कितना आ गया, 12 आ गया, और माइनस करेंगे अब ये मेरे पास कितना आ गया, 9, और ये मेरे पास कितना आ गया, 3 में से ना 2। तो अब इस तरह से होगा क्या कि आप ऐसा करते जाएं और जब आप लास्ट में ये देख लें कि आपका जब नंबर छोटा हो जाए, जैसे अब ये क्या है, 29 है ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पर या तो 0 आ जाए या फिर जो है जिस नंबर से आप चेक कर रहे हैं उसका एक मल्टीपल आ जाए। यहाँ पर अगर सपोज करो मेरे पास में जैसे 7 से मैं डिवाइड कर रहा था, 7 का मैं डिजिलिटी टेस्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर या तो मेरे पास 0 आ जाता, 7 आ जाता, 14 आ जाता, 21 आ जाता, और जो है 28 आ जाता, 35, समझ गए होंगे कि 7 का मल्टीपल यानी 7 की टेबल का कोई ऐसा नंबर जो 7 से कम्प्लीटली डिजेबल हो, तो यानी ये मेरा नंबर क्या होता, 7 से कम्प्लीटली डिजेबल होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 29 आ गया। इसका मतलब जो है ये नंबर क्या होगा, 7 से कम्प्लीटली डिजेबल नहीं होगा, 7 से क्या होगा, कम्प्लीटली डिजेबल नहीं है ये नंबर, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो एक और लेते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा ये, ठीक है ना, तो ये मेथड हम ज़्यादा ज़्यादा काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ चलो एक और लिया, जैसे हमने 105 और ये आ गया 63, ये आ गया, ठीक। तो सबसे पहला काम जो है इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 6 आ गया, माइनस कर देंगे 0501, काट दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा, माइनस करेंगे ये आ गया 501। अब देखो यहाँ से ये बच गया मेरे पास 105, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 10, और माइनस कर देंगे क्या आ गया, 0 आ गया ये पर। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है आपका क्या होगा, 7 से कम्प्लीटली डिजेबल होगा, 7 से कम्प्लीटली डिजेबल ये नंबर है ये। एक और देखो, क्योंकि ये मैं आगे हम यही काम में लेंगे ऐसे नंबर जो आप जिनके बारे में आपने पढ़ाई नहीं होगा अब तक, ठीक है ना। एक ले लिया जैसे मैंने 7। तो सबसे पहला काम क्या करना, हम 7 की बात कर रहे हैं और मैं ये 7 वाला बार बार किस पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है हम कई नंबर के लिए ऑक्टेन नंबर ही काम में लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने लगभग जितने पढ़े हैं ना वो तो पता ही है, लेकिन हम कुछ ऐसे नंबर की बात करेंगे जिनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, कोई गाइड वगैरह है उसमें भी आपको ये नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 11 तक, ज़्यादातर आप 13 मान लो, 13 का तो मैंने भी नहीं पढ़ा कभी, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है 19 आगे से भी आगे किसी भी नंबर का आप निकाल भी सकते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहला काम इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, 7 के लिए ऑक्टेन नंबर है, माइनस 2 है रहा, 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, और माइनस कर दो, ऐसा आप करते जाओ आप जब तक ये नंबर क्या नहीं हो जाए, छोटा नहीं हो जाए रहा। ये आ गया 6 आ गया, ये 5, ये 4, ये 1, फिर काट दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस कर दो आप, ये आ गया 3, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 1। अच्छा फिर काट दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 आ गया। अच्छा अब बताओ 7 7 से डिजेबल है क्या, है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर था मेरा ये 7 से कम्प्लीटली डिजेबल होगा, और ये हम जरूर करेंगे। चलो एक बार करके देख लेते हैं, 14686 है, इसको 7 से मैं देख भी दूँगा, ये बता दूँ ये कि ये नंबर है या नहीं है, ऐसे नहीं है कि हमने ऐसे ही कह दिया, ये रहो एक चेक कर लेते हैं। तो पहले गया 2 टाइम 14, अच्छा उसके बाद में 6 आ गया, 0 लगाया जाना कड़ा ये रहा कि 0 बार देंगे, ये चीज़ 6 है रहा,
ठीक है ना। कई बच्चे क्या कहते हैं, वो एक साथ में ऊपर से सिक्स उतारा और वो भूल जाते हैं। तो यार यहाँ मैंने बताया हुआ है कई बार ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है डिवाइड का, वो ये कहता है एक बार में एक ही नंबर लेना होता है और आपको उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो मैंने ऊपर से देखो ये सिक्स लिया मैंने और मुझे अब सेवन की टेबल वहाँ तक बोलनी है जहाँ तक क्या हो कि सिक्स से छोटा नंबर आ जाए। तो सिक्स की टेबल वन टाइम बोलेंगे तो सेवन आएगा, सॉरी सेवन की टेबल वन टाइम बोलेंगे सेवन आएगा। तो मैंने सेवन की टेबल कहाँ तक बोली, जीरो तक बोली, जीरो आ गया। अब नेक्स्ट नंबर ले लिया मैंने ये ऊपर से एट। अब आपका कितने टाइम गया, ये हमारा गया जो है नाइन टाइम, 63 माइनस करेंगे 5 आ गया, ऊपर से आ गया 6 और ये गया 8 टाइम पूरा पूरा। डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब तो इसमें टाइम लग रहा था, इसमें क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई और माइनस करना है बस, ठीक है ना। और ये काम आसान है, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2 से जो है उस नंबर का डबल करना है ये था। तो ये 7 के लिए था ये, और यहाँ मैंने खास इस पे इसलिए दिया कि आगे हम इसी से काम में लेने वाले हैं येरा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 का मैं लिखूँ 8 से डिजिटल, तो लास्ट 3 डिजिट, सॉरी लास्ट जो 3 डिजिट हैं ये डिजिटल डिजिटल बाय 8। अगर लास्ट की 3 डिजिटल, ठीक है ना, इसके साथ मैं आपको किसी क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं छोटे बच्चों के, खास करके इस तरह के पूछे जाते हैं। बड़े जो एसएससी देखें आप एग्ज़ाम हैं या राजस्थान पुलिस के तो इतना नहीं है, लेकिन एसएससी जो है बैंक है उनमें आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल टेस्ट पर ही पूछे जाते हैं डिवाइड करने के लिए। वो कॉन्सेप्ट कहता है आपसे क्या, जैसे एक मैंने बताया था ये कि कोई नंबर 6 से डिजिटल है तो वो किस किस से होगा, 2 और 3 से भी होगा यार, ठीक है ना। कोई नंबर 4 से डिजेबल है, इट मे बी पॉसिबल इट इज आल्सो डिजेबल बाय 8, तो क्या वो 8 से भी होगा क्या, जरूरी नहीं है, 8 से नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर कोई नंबर 4 से कंप्लीट डिजेबल है तो ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ उसके कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 8 से डिजेबल होंगे, लेकिन कुछ हो जैसे होंगे होंगे ही नहीं है। तो इसे 3 और 9 ध्यान रखना, 3 और 9 का आपस में कई बार पूछा गया है, ऐसे ही जो है 4 और 8 का भी पूछा गया है। तो ऐसे कोई भी पूछ सकता है आपसे, आपसे कहते कोई नंबर 14 से डिजेबल है तो क्या वो 7 से भी होगा क्या, या वो 8 से भी होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अभी 8 का मैंने लिया है जैसे ये, तो कोई नंबर जो है 8 से कब डिवाइड होगा, तो इसकी बात करें हम। कोई नंबर ले लिया हमने जैसे ये कि 3, 6, 4, 0, 5, 6 ये नंबर आया है वही है, और मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर आपका कम्प्लीटली 8 से डिजेबल है या नहीं है। तो हमने लिखा है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट लो आप, तो लास्ट की 3 डिजिट होगी ये रही, ये है वो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 0, 5, 6 या इसको बोलेंगे 56। आप बताओ 56 जो है क्या आपका 8 से डिजेबल है 7 टाइम है, इसका मतलब जो है ये पूरा नंबर भी क्या होगा आपका जो है 8 से डिजेबल होगा ये। और सॉरी एक चीज़ और मैंने यहाँ लिखना भूल गया, और 00 और इसमें भी लिख लेना ये, ठीक है ना। यहाँ याद आ गई ये, जैसे इसमें मैं कहूँ कि इसमें 000 और 000, ठीक है 000, ठीक है ना, 0 होएगा ये पहली बात। तो यहाँ देखें 10 तो नहीं होगी, ठीक है ना, इस तरह की 0 है लास्ट की। तो यहाँ चलो मैं रिपीट कर दूँ एक बार ये कि यहाँ थोड़ा दिमाग से निकल गया था ये कि कोई नंबर जो है आपका जो है 4 से डिजेबल है तो वो मैंने बताया लास्ट 20, लेकिन अगर लास्ट में 20 है, कम से कम 20 तो हो जाएगा। ऐसे ही जो है 8 के लिए भी क्या है, अगर लास्ट में 30 है, लास्ट में 30 हैं तो वो नंबर जो है कम्प्लीटली डिजेबल हो जाएगा ये रहा, किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा ये रहा। एक और लिया जैसे मैंने लिया ये आ गया। अब लास्ट की 3 डिजिट देखो ये है ये री, तो यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि ये जाएगा नहीं जाएगा, पता ही नहीं कोई दूर तक।
तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा डिवाइड कर लो आप, ठीक है ना, बजाय पूरे नंबर को डिवाइड करने के आपको, यानी यहाँ देखें तो सिक्स डिजिट्स के नंबर को आप डिवाइड करने हैं, बजाय हाफ के कर लो आप। तो देखो ये नंबर जो है 512 को आप करोगे 8 से डिवाइड, तो पहले कितने टाइम जाएगा ये, हाँ कितने टाइम जाएगा ये, पहले 7 टाइम या 6 टाइम, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जो है, 7 टाइम ये जाएगा आपका 6 टाइम 48, माइनस करेंगे क्या बच गया 3, ऊपर से आ गया 2, और कितने टाइम गया 4 टाइम गया 32। इसका मतलब जो है लास्ट की 2 जो डिजिट हैं वो आपकी क्या हैं, 8 से कम्प्लीटली डिजेबल हैं, डिजेबल हैं। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो नंबर है, ठीक है ना, ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से कम्प्लीटली डिजेबल होगा, 8 से कम्प्लीटली डिजेबल हो गए, ठीक है। तो ये 10 तक हो जाएंगे, तो मैं इनके और क्वेश्चन बताऊंगा ये भी। और अब हमने लिया 8 का 9 से, तो सेम रूल है वही, ठीक है ना, इसके लिए दो रूल मैं बना देता हूँ, वो भी चलेगा, ये भी बात एक ही है। सम ऑफ ऑल डिजिट, और यही पढ़ा जाता है आपको, यही पढ़ाया जाता है, मैंने भी यही पढ़ाया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है इज मल्टीपल, पल ऑफ 9, या हम लिखें प्लस वन, समझ गया क्या, प्लस वन का मतलब है यहाँ पर जो है ऑक्टेन नंबर, या आपने नहीं पढ़ा हुआ आज तक कभी भी, आपने इतना ही पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल डिजिट जो है इज मल्टीपल ऑफ 9, कि जैसे जो 3 का रूल है वही सेम 9 का रूल है, जो 3 का रूल है ना वो सेम ही 9 का है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, या आप इसके लिए लिख सकते हैं कि प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं दोनों को करूँगा, आप पहले तो डिसाइड कर दो, पहले तो जैसे ये आ गया मेरे पास में कि 7, 2, 9, 5 और 4, ये आ गया जैसे कोई नंबर, ठीक है। तो ये पहले तो इसके रूल के हिसाब से ही करें, तो देखो 7 प्लस जो है 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, यानी इन सब का मैं सम करूँगा यार, जो 3 के लिए था ना, 3 के लिए, वैसे इसका अगर भी आपने क्या करना है, ओल्ड डिजिट्स का आपने सम करना है। अच्छा ये मेरे पास में हो गया कितना, 9 और 9 18 के अंदर ये और 9 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 27 ना, क्या है 3 का एक, क्या है ये, सॉरी 9 का एक मल्टीपल है, 9 से डिजेबल है, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो है 9 से भी कम्प्लीटली डिजेबल हो गए, सेम 3 का, लेकिन ये दूसरा जो मैंने लिखा है ये प्लस 1 से क्या मतलब है, बात वही है, ठीक है ना, चीज़ वही है, यहाँ थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग हो गया यार, या आप क्या कर रहे हैं इन नंबर का सम कर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, इसको क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, यही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ना, तो और क्या करना है, प्लस करना है, प्लस लिखा है मैंने, तो इसमें प्लस कर देंगे, ये आ गया 9, 9, 2, 7, ये 9 फिर इसमें प्लस कर देंगे, ये आ गया मेरे पास कितना आ गया 18, ये आ गया 3, ये 7, फिर 8 इसमें प्लस कर देंगे, ये आ गया 1 और 8 81। 9 का मल्टीपल है या नहीं है, है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा, और आगे और करना चाहते हो और कर दो आप, कि 8 ये प्लस 1 करो 9 आ रहा है यार, ठीक है ना, जो 7 के लिए, तो 7 के लिए जैसे मैंने -2 बताया था, 9 के लिए वैसे क्या है मेरे पास में प्लस 1 है, आप ऐसे भी काम में ले सकते हैं इसको, ठीक है ना, हाँ ज़रूरी नहीं है, देखो जहाँ पर आपको इनका सम इस तरह का आ जाएगा कि आपको लग रहा है कि ये नंबर जो है इससे डिवाइड हो जाएगा भाई, ठीक है ना, जैसे देखो यहीं लग गया था मुझे कि 81 आ रहा है और 9 से कम्प्लीटली डिजेबल है, यानी आगे करने की जरूरत नहीं है, आपने देखो आगे भी किया यार कि 9 आ गया सर, 9 से डिजेबल तो है गया, ठीक है ना, तो ये नहीं, आज जैसे 18 आ गया है 81 आ गया है तो मुझे पता लग गया हाँ है भाई, आगे करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका नंबर ये छोटा होता जाएगा यार, छोटा होने के बाद अगर जैसे ही आपके पास इस तरह का नंबर आ जाए जो उससे डिजेबल है, जैसे मैं 9 की बात कर रहा हूँ, तो 9 से 81 जो है क्या वो डिजेबल है, तो मैंने यही छोड़ दिया कि हाँ ये नंबर क्या है 9 से कम्प्लीट डिजेबल होगा, और तो मैंने यही कर दिया यार। अच्छा उसके बाद फिर 10 का
टेन का क्या है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो, बस एक ही रूल है इसका, ठीक है ना। जैसे 3, 6, 4, 5 लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं होगा। क्या आना चाहिए था, इसकी जगह जीरो होता तो ये हो जाता, बस एक जीरो, चाहे कितने जीरो हो, मैं कहूँ 0, 0, 0, 0 हमें से मतलब नहीं, हमें तो ये लास्ट वाली से मतलब है, बस लास्ट में एक जीरो होनी चाहिए, बीच में चाहे कुछ ही हो, ये भी डिजेबल। अगर जैसे यहाँ ये आ जाता है, 8 आ जाता है, 8, 8, 8 आ गया, अब लो अभी भी है ये रहा, चाहे इसको आप 7 कर लो, ये लो कुछ ही कर लो आप, ये 7, ये 6, ये 3, ये 4, 5 कुछ ही कर लो, ये लो, लास्ट में एक जीरो होना ज़रूरी है यार, ठीक है। तो ये 10 तक तो थे ये, ठीक है ना। उसके बाद हम 11, 12, 13, 14, 15 वाले भी करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा बता दूँ कि इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, वो आप समझे, ठीक है, वो आप समझ लें कैसे पूछे जाते हैं। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो किस तरह के पूछे भी गए हैं, चाहे वो SSC का हो, मिलिट्री सैनिक हो, नवोदय हो, ठीक है ना, हर तरह के एग्ज़ाम में इससे डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो पूछते ही सीधा, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसे ए नंबर, इफ ए नंबर इज कंप्लीटली डिजेबल बाई 3, इट कैन बी आल्सो डिजेबल बाई 9। वो कह रहा है कि एक नंबर जो है हमारा 3 से कंप्लीटली डिजेबल है, 3 से क्या है कंप्लीटली डिजेबल है, तो क्या वो नंबर 9 से भी होगा क्या, क्योंकि दोनों का रूल भी सेम ही है। तो जैसे मैंने लिया, देखो 27 लिया मैंने, सपोज करो ये रहा, अब ये 3 से डिजेबल है, बिल्कुल सही है 3 से ये रहा, और 9 से भी है, यानी ये 3 से भी डिजेबल है और 9 से भी डिजेबल है, इसका मतलब जो है तो होना चाहिए रहा फिर। चलो मैं 9 ही लिखता हूँ, तो 9 जो है वो 3 से भी डिजेबल है और 9 से भी है 1 टाइम, तो क्या सही होना चाहिए क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 और अगर मैं 6 की बात करूं, ये बताओ जैसे मैंने लिया 3, ठीक है ना, एक नंबर लिया मैंने 3, और ये 3 से डिजेबल है, 9 से है क्या, नहीं है ना। जैसे मैंने लिया 6 लिया, चलो मेरा 3 से तो डिजेबल है, 9 से है क्या, नहीं है, 9 से नहीं है यार। या मैंने 12 लिया, तो 12 3 से डिजेबल है लेकिन 9 से क्या है, नहीं है यार। या मैंने लिया जैसे 15 लिया, तो 3 से डिजेबल हो रहा है और ये क्या है, 9 से है क्या, 9 से नहीं है। तो क्या देखा हमने कि एक नंबर अगर ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 18 लिया, तो ये 3 से है और 9 से भी है, दोनों से है। तो और जैसे मैंने अगर चलो 27 ही लिया, तो 3 से भी है और 9 से भी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो दोनों अपोजिट चीज़ें हैं गिरी, कि एक नंबर अगर 3 से डिजेबल है तो इट इज़ नॉट बी पॉसिबल, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिजेबल हो, लेकिन जो नंबर 9 से डिजेबल है वो 3 से पक्का होगा। अगर कोई नंबर, ठीक है ना, अपोजिट है तो ध्यान रखना, कोई नंबर अगर 3 से डिजेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि, पॉसिबल नहीं है कि वो जो है नंबर 9 से डिजेबल हो। जैसे यहाँ देखो हमने 18 लिया, 3 और 9 दोनों से जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने 15 लिया तो 3 से जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा, फिर ये रहा, समझ गया ना, कि जो है एक नंबर है 3 से अगर डिजेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिजेबल हो। ऐसी मैं कहूँगा नहीं, वो नहीं होगा, मैं सीधा ऐसे ही कह दो आप, तो ठीक है ना, कि जो 3 से डिजेबल है वो 9 से डिजेबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी, दोनों बातें, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, नहीं साहब है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो ठीक है। अच्छा, अब कोई नंबर 9 से डिजेबल है तो क्या वो नंबर जो है आपका 3 से भी होगा क्या, ये पक्का होगा, कैसा भी नंबर हो, क्यों, देखो यहाँ अगर समझने वाले समझें तो देखो 9 के फैक्टर करते हैं 3 × 3 होता है, तो इसमें 3 आ रहा है ऑलरेडी, इसमें 3 आ रहा है ना, देखो ये रहा 9 की टेबल में 3 आ रहा है,
आ रहा है ना यहाँ पर, देखो 3 × 3 = 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये डेफिनेट है कि वो नंबर आपका 3 से भी डिजेबल होगा। तो यहाँ एक चीज़ और समझ लेना साथ में, ये अपोजिट है दोनों, कि अगर कोई नंबर 9 से कम्प्लीटली डिजेबल है तो डेफिनेट है कि वो 3 से भी कम्प्लीटली डिजेबल होगा, ठीक है। और ये 3 और 9 का ज़्यादा पूछा जाता है। फिर सेकेंड जो है 4 और 2 का ले लेते हैं, जैसे ये 2 और 4 का है ना, इनका भी पूछ लेते हैं कई बार, और 8, ये तीनों का मिला के पूछ लेते हैं कि आपसे कह दिया जाए एक नंबर ऐसा है मेरे पास में जो 2 से भी डिजेबल है, तो क्या वो 4 से होगा क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, 2 ही ले लो आप, 2 से डिजेबल है, लेकिन 4 से है क्या? नहीं है। आपने 6 लिया, 6 2 से डिजेबल है, 4 से नहीं है। लेकिन 8 की टेबल का आप कोई भी नंबर ले लो आप, वो हर नंबर 2 से डिजेबल है। देखो 4 2 से है, 4 की टेबल में नेक्स्ट नंबर आएगा 8, 2 से डिजेबल, अगला आएगा 12, 2 से डिजेबल, अगला 16, 2 से डिजेबल, अगला 20, 2 से डिजेबल है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे अगर जाएंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ठीक है ना, तो ये यानी ये हर 8 की टेबल का हर नंबर 2 से डिजेबल होगा और 4 की टेबल का हर नंबर 2 से डिजेबल होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 की टेबल का हर नंबर 4 से हो और हर नंबर इसका क्या हो 8 से भी हो, ये जरूरी नहीं है। 2 की टेबल का हर नंबर क्या हो 2 से जो वो 8 से भी आपका डिजेबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, आप वो देखो, आप आपको कहेगा कि एक मेरे पास नंबर है और वो क्या है कि 4 से डिजेबल है सपोज करो, तो क्या वो 8 से भी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें यहाँ, लेकिन हमारा आंसर होगा पॉसिबल नहीं है भाई, जरूरी नहीं है ऐसा कि हो भी जाए नहीं भी हो जाए। 24 है जैसे, दोनों की टेबल में आता है। अब 12 ले लो आप, 20 ले लो ना आप, 24 से डिजेबल है लेकिन क्या है 8 की टेबल में नहीं आता फिर, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कहते हैं एक नंबर ऐसा जो 2 से भी डिजेबल है और 4 से भी डिजेबल है, तो क्या 8 से भी होगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, 4 ही ले लो आप, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप जो है यानी क्या कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके तो आप उस टेबल के कुछ नंबर ले लो, आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो आपकी जो 2 से डिजेबल हैं और या फिर जो 4 से डिजेबल हैं, जैसे 8 से है, 8 से डिजेबल हैं, उनको आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इधर। तो ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे हम करेंगे 11, 12, 13, 14 और 15 के भी करेंगे, जल्दी से ये नोट कर लें एक बार। ये तो अब चलो टाइम इतना ही है, ठीक है ना। तो इस दौरान हम कुछ थोड़ा अलग कर लेते हैं, जितना टाइम बचा है नेक्स्ट, उसके बाद ये जो है मैं कल कराऊंगा ये, ठीक है ना। तो आप इसमें पार्ट 1 कर लेना ये, ठीक है ना, ये पार्ट 1 कर लेना इसको, सेकेंड पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। और फिर मैं उसके क्वेश्चन भी जो आपसे कराऊंगा आप बुक में दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे करना है, उप हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और आप उसको कैसे सोल्व करेंगे ऑप्शन से। मोस्ट ऑफ जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है एग्ज़ाम के अंदर, आप माने कि 90% जो है अगर क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करते हैं तो वो जल्दी सोल्व होते हैं, और उसको वैसे आप सोल्व करते हैं तो क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है और आप पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो मैं कह रहा हूँ जो डिजिबिलिटी टेस्ट वाले हैं, अगर वो आप ऑप्शन से करते हैं तो आपके जल्दी होते हैं, ठीक है ना। और वैसे उसको आप डिस्क्राइब में ले जाओ सॉल्यूशन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे वो, और जैसे कि आपको पता है 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से आपके पास सिर्फ 3 चांस होते हैं, ठीक है ना। आपको यानी 3 बार ट्राई करनी है, 3 बार में अगर फर्स्ट चांस में आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि पता है 4 में से 1 तो सही है ही,
अगर फर्स्ट चांस में ही आपका आंसर आता था तो इसका मतलब आगे करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड में भी, और चलो आपका फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया और थर्ड में भी नहीं आया, तो ऐसे में गलती क्या करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वही आंसर तो बचा, जब आपने काम कर लिया है, आपके पास पता है कि तीन मैंने आंसर चेक कर लिए हैं, तो जाहिर बात है चौथा ही आंसर है, उसका करने की जरूरत नहीं, आप वही पिक कर दो, ठीक है ना। तो इस तरह की, यानी कि ये जो कुछ बातें होती हैं जो बच्चे जानते नहीं हैं और वो इसी में गलती करते हैं। तो लास्ट के अब कुछ मिनट जो है काम करते हैं हम, एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, खास करके मल्टीप्लाई में ही टाइम लगता है, ठीक है। वैसे तो स्टार्ट में और लास्ट में हम करते हैं रोज़, हमेशा एक कोई कैलकुलेशन बेस करते हैं। जैसे मेरे पास में आ गया 3 को और 2 से करेंगे 06 मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, हो गया आंसर आपके सामने ही है। और इसको चेक भी कर लेते हैं क्योंकि ऐसे कोई मानेगा नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या लिखा है सर ने। तो ये 2, ये 3, ये 2, ये 2, ऐसे ये हो गया 06, 04, ये मेरे पास में आ गया 06 और ये आ गया 04, 6 आ गया, 10 हो गया, 1 कैरी और ये 5, वही आंसर है, वही है, वही है ना। एक और लें, जैसे मेरे पास में आ गया 4 2 4 3, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 06, अच्छा 4 को 4 से करेंगे 16 और 16 में 2 प्लस करेंगे 18, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम, अब कईयों को लग रहा होगा कि ये क्या किया है सर ने, तो ऐसे ही कर लेते हैं जैसे आप करते हैं यार, क्योंकि ये हमें समझ में आता है, बॉक्स वाला हो सकता है किसी को नहीं आया समझ में आया हो। तो ये तो हो गया 6, ये हो गया 12, अच्छा 4 से करेंगे 8, 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, ये 6, ये 10, 1 कैरी, 7 और ये 8 और ये कहाँ हो गया बोलना 17, ये कितना 16 और 2 18, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें गड़बड़ी कर दी क्या? हाँ 8 ही आएगा, 16 ही आएगा, सॉरी ना 8 कैरी है ही नहीं इसमें, कैरी कहाँ थी वो, ऐसे ऐड कर दी, ठीक नहीं रहा। तो ये हो गया 18 1, भाई 4 को 2 से करेंगे 8 और ये 4 4 था 16, वो 17 नहीं, वो कैरी ऐसे ज़बरदस्ती घुसा दिया हमने, 6 हमारा आ गया। अब ये क्यों, क्योंकि ऐसे मैं करता ही नहीं कभी, समझ रहे हो नहीं कि ऐसे हम मल्टीप्लाई करते ही नहीं है कभी, करते हैं क्या ऐसे, हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं तो ऐसे करता ही नहीं, मैं तो बॉक्स से करता हूँ या क्रॉस से करता हूँ, ठीक नहीं रहा। तो क्रॉस से बताएंगे आपको बाद में। और अब इसमें था क्या वो देखो आप, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या था कॉन्सेप्ट, जैसे एक और लें हम, ये आ गया जो है मेरे पास में 8, ये 4 1 8, तो आप कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसमें दो कंडीशन है कि जो लास्ट डिजिट है इनका सम जो है आपके पास में होना चाहिए 5, जो लास्ट डिजिट है इनका सम होना चाहिए 5, और ये जो बच गई हैं ये दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर ये रही, तब भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा ये 7, ये 6, ये लिखा मैंने जैसे 3 और ये मैंने 2 लिखा, तो मैं कहूँ सर ये तो चलो 5 आ गया और ये अब बराबर है क्या, नहीं है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट ये है कि ये लास्ट जो डिजिट है उनका सम है वो मेरे पास में 5 होना चाहिए, और जो बच गई है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक नहीं ना। तो
तो अब करना क्या है, अगर ये दोनों अब रूल अप्लाई हो रहे हैं इस पर, तो आप इन इस कप का मल्टीप्लाई कर दो 04, टू डिजिट का लिखना है यार। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐड कहाँ से कर रहे हैं, तो इसी तरह 8 का हाफ करेंगे, जो भी यहाँ नंबर हैं दोनों उनका हाफ करेंगे, कितना आ गया 4 ही इसमें क्या करना आपने ऐड करना है, और क्या बन गया 68, और ये हम लिख देंगे, और यही काम हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। या जैसे मेरे पास में आ जाए अब कि जो है 64 और ये आ गया 23 और ये आ गया 6, तो देखो ये तो आ गया 06। अच्छा, इस 6 को 6 से करेंगे 36, और इस हाथ में क्या करना है, इसका हाफ कर दो आप, 6 का हाफ कितना हो गया 3 इसमें आप ऐड कर देंगे, कितना आ गया 39 आ गया 39, 06 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है, याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना आप इसका यानी प्रैक्टिस करेंगे, आप की नज़र रहेगी कि हाँ देखो लास्ट में भाई सही आ रहा है, हो जाएगा इन लोग, ठीक है। लास्ट में मेरे पास में क्या रहा है कि इतना ये आ रहा है तो इतना ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एक बात और ले लें, आप कई पूछेंगे ज़रूर ये कि ऐसा हो जाए सर कि 74 और 71 ये आ गया, तो ये तो लिखा चलो 04 क्योंकि लास्ट का समारा है, ये दोनों बराबर भी हैं। अच्छा, दोनों का करेंगे 49, लेकिन इसका हाफ करेंगे, 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 बनेगा सर ये, तो मैं 3.5 कैसे ऐड करूँ इसके अंदर। तो इसका इलाज ये है कि आप जो है पॉइंट से पहले क्या है 3 है, 3 इसमें ऐड कर दो आप, ये हो गया जो है 50, कितना हो गया 2। अब कहेंगे सर 5 उसका क्या करें, तो 5 कहाँ गया भाई, 5 एक काम करो, ये जो 0 था ना यहाँ 5 लगा दो बस, ये लो हो गया, यही आएगा इसका, ठीक है ना। अगर आपके तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, अगर आपका इस नंबर का हाफ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, हाफ से पॉइंट से पहले वाला इसमें आधा ऐड कर देंगे, और जो हाफ है ना वो वहाँ 5 लगा देंगे हाफ का, जहाँ 0 लगाया था आपने। एक और देखो, जैसे आ गया मेरे पास में 5415, ये आ गया ये, तो ये तो 04 हो गया। अच्छा, अब ये देखो 25 तो यहाँ तक सही है, लेकिन 5 का आप देंगे 2.5 होगा, तो ये 2 इसमें ऐड कर दो 27, और ये जो 0.5 था ये यहाँ 0 की जगह लगा दो, ये मल्टीप्लाई यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स ज़रूर करें यारा, तो कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है, कोई आपको डाउट है, तो उसके लिए कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले, और नेक्स्ट टाइम उससे भी बढ़िया हम आपके लिए करें। ओके, थैंक यू।